Hey guys, welcome back to the Chatpat Toy TV. मेरा नाम है रान। आज की वीडियो में दो सुपर बाइक्स के बीच में मैं फाइट कराने वाला हूँ। ये अपनी हार्ली मोटो बाइक, दूसरी वाली बाइक है क्रेजोन सुपर बाइक। दोनों ही बाइक जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से चल सकते हैं। तो चलो गाइस फटाफट से दोनों की करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं ये बाइक जीतेगी या फिर ये बाइक जीतेगी। अपन इसको बॉक्स के अंदर से निकाल लेते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या क्या चीजें अपने को मिली है। तो सबसे ऊपर मिलता है हमें इसका चार्जर, और भाई इसकी बैटरी देखो यार, एकदम अनोखी किस्म की बैटरी इन लोगों ने दे रखी है। वाओ, डिजाइन बहुत अच्छा है बैटरी का। अभी अपनी बाइक को भी निकाल लेते हैं यहाँ से। ओ माय गॉड, ये है देखो गाइस अपनी सुपर क्रेजोन आरसी बाइक। डिजाइन काफी ज्यादा मस्त है, और इसका राइडर देखो यार एकदम बाइक के ऊपर लेटा हुआ है। और यहाँ पर है इसका रिमोट, रिमोट भी भाई बिल्कुल बाइक के मैचिंग में इन लोगों ने बनाया हुआ। अभी अनबॉक्स कर लेते हैं हार्ली मोटर बाइक को, एकदम तगड़ी वाली बाइक है भाई साहब ये तो। यहाँ पर देखो इसका बॉक्स इस तरह का देखने को मिलता है, रेड और ब्लैक कलर वाली बाइक है। तो चलो बॉक्स के अंदर से मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ ये जो बाइक है भाई किस तरह की दिखती है, और इसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स दिए हुए हैं। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है, ये रही गाइस अपनी तगड़ी वाली बाइक। यार देखो ये जो राइडर है ना भाई, नीचे भी बैठ सकता है और इस तरह से ऊपर भी उठ सकता है, और हम चाहे तो इसको यहाँ से पूरी तरीके से निकाल भी सकते हैं। व्हील्स देखो भाई कितने ज्यादा बड़े बड़े व्हील्स दिए हुए हैं इसके अंदर इन लोगों ने, इसको भी रख देते हैं यहाँ पर। ये है इसका एकदम छुटकू सा रिमोट। दोस्तों अगर आप इन दोनों ही बाइक्स को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई दे रहा होगा, बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे दोनों का बाय लिंक आपको मिल जाएगा। यार एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया था, ये देखो इसके साथ ये चार्जर मिलता है, और ये एकदम बेकार किस्म की बैटरी मिल जाती है। इसके अंदर मैं बैटरी अपग्रेड करके इसको चलाने वाला हूँ। अपनी दोनों ही बाइक्स को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। दोनों की हाइट और लेंथ मैं आपको बताऊं तो ये जो अपनी हार्ली डेविडसन बॉबर बाइक है लंबी है, और हाइट के मामले में भी इसकी हाइट ज्यादा दी गई है, और वेट के मामले में भी इसकी वेट ज्यादा है। लुक्स के मामले में दोनों बाइक्स भाई बहुत ज्यादा अनोखी है, ये एक सुपर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर ये हार्ली डेविडसन बॉबर बाइक की तरह दिखाई देती है पूरी तरीके से। तो लुक्स के मामले में दोनों भाई बिल्कुल टाई हो चुका है दोनों के बीच में। अगर इसके व्हील्स मैं आपको बताऊं तो देखो गाइस तकरीबन 1.5 इंच के व्हील्स इसके अंदर दिए हुए हैं पीछे वाला। सामने वाला व्हील्स 1/2 इंच का दिया हुआ है, सामने दो हेडलाइट है। इसका भी जो राइडर है हम लोग यहाँ से पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक ठाक ही है, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा मजबूत है, बहुत ही ज्यादा हार्ड प्लास्टिक से इसको बनाया हुआ है। इसकी जो सामने वाली हैंडल है ज्यादा टर्न नहीं हो पाती है, ये रिमोट बहुत ज्यादा तगड़ा है, बिल्कुल इससे मैचिंग इन लोगों ने दे रखा है, क्वालिटी एकदम जबरदस्त है इसके रिमोट की। वहीं इसका जो रिमोट है ना भाई, बाइक की क्वालिटी सुपर है पर रिमोट इतना घटिया क्यों दिया है मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। बहुत ही एकदम मरियल टाइप रिमोट इन लोगों ने दे रखा है। रिमोट के मामले में ये जो बाइक है ना भाई क्लियरली विनर है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं अपन लोग बाहर, कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं ये बाइक जीतेगी या फिर ये बाइक, लेट्स गो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ रोड पर दोनों ही बाइक्स को टेस्ट करने के लिए, एक एक बाइक को चला के देखते हैं भाई कौन आज जीतेगा। तो सबसे पहले अपनी क्रेजोन सुपर बाइक को लॉन्च करते हैं। देखो गाइस इस तरह से इसको पहले एक छोटा सा धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है भाई, तभी ये चलेगी, वरना टेढ़े मेढ़े चलकर नीचे गिर भी सकती है। देखो गाइस इसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, बहुत ज्यादा स्पीड भी है। देखो कैमरा अपना जो है भाई बाइक को बिल्कुल भी कैच नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे क्रैश हो चुकी है। हार्ली मोटर बाइक को भी चला के देख लेते हैं। देखो गाइस यहाँ पे मैं आपको चला के बता रहा हूँ, और भाई इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इसको साइड में दो एक्स्ट्रा व्हील्स भी लगे हुए हैं, इस वजह से इसकी बैलेंसिंग जो है रोड पर बिल्कुल सही बनी हुई होती है। और भाई यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ इसकी स्पीड भी, देखो यार अपनी सुपर बाइक के मुकाबले में इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम लगी। अभी दोनों को इकट्ठा करके रेस कराते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन जीतेगा। देखो गाइस दोनों को मैंने लॉन्च कर दिया, और भाई अपनी सुपर बाइक जो है ना भाई काफी ज्यादा स्पीड है, अभी तक अपनी हार्ली बाइक आई नहीं है, दो राउंड मार चुकी है यहाँ पर, तो क्लियरली विनर यहाँ पर अपनी सुपर बाइक है। और भाई क्या क्रैश हो रही है यार। अभी दोनों बाइक्स का पुश बैक करा के देखते हैं यहाँ पर कौन सी बाइक जीतेगी। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है यार, यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, दोनों ही देखो गाइस एक ही जगह पर जमे हुए हैं यहाँ पर, मेरे को नहीं लगता है कि दोनों भी यहाँ पे जीत पाएंगे, दोनों को पुश बैक कराना बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर। अभी कराते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, यहाँ पर पता चल जाएगा कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल आरसी बाइक। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है, ओ माय गॉड दोनों ही एक साथ गिर चुके हैं फर्स्ट राउंड में यार, दोनों के बीच में यहाँ पर टाई हो चुका है। एक और राउंड कराते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन जीतेगा। और भाई यहाँ पर अपनी हार्ली मोटर बाइक जीती हुई नजर आ रही है मेरे को, देखो गाइस इसको घसीट के लेके जा रही है भाई, अपनी हार्ली मोटर बाइक क्लियरली जीत चुकी है यहाँ पर पावर के मामले में। अभी कराएंगे एकदम खतरनाक वाला टेस्ट,
देखते हैं अपनी बाइक जो है ना भाई कितना ज्यादा वेट खींच पाती है। सबसे पहले हार्ली मोटर बाइक को टेस्ट कर लेते हैं। देखो यार, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अपनी जो बाइक है ना भाई पीछे इतनी बड़ी ये जो जीप है इसको खींच पाएगी। थोड़ा सा स्लो खींच रही है पर काफी बिल्कुल सही तरीके से खींच लिया भाई इसने इतना ज्यादा वेट। अभी सेम टेस्ट कराते हैं अपनी सुपर बाइक के साथ, देखते हैं ये जीप को ये खींच पाती है कि नहीं। चलो स्टार्ट कर दिया है गाइस मैंने। देखो यहाँ पर यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जैसे ही बाइक को नीचे रख रहा हूँ देखो इसका व्हील ही नहीं घूम रहा है और इसको बिल्कुल भी नहीं खींच पा रही है। रोड पे तो मैंने आपको दिखा दिया था कि अपनी हार्ली बाइक किस तरह से चलती है, अभी देखो इंडोर में भी चला के मैं आपको बता रहा हूँ। काफी सही तरीके से आप इसको इंडोर में भी चला सकते हो, आउटडोर में भी चला सकते हो, काफी सही से कंट्रोल भी हो जाती है। छोटे से एरिया में चलाने में इसको काफी ज्यादा मजा आता है। अभी अपनी सुपर बाइक को भी चला के देख लेते हैं। इसको धक्का मारकर मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी देखो यार इसको टर्न करते समय दिक्कत हो जाती है, ये यहाँ पर आकर फंस चुकी है। इसको आप इंडोर में नहीं चला सकते हो, सिर्फ आउटडोर में ही चला सकते हो। दोनों के बीच में लाइट टेस्ट भी करके देख लेते हैं अपनी सुपर क्रेजोन बाइक के अंदर। देखो यार इस तरह के दो हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं और भाई काफी ज्यादा ब्राइट भी है, आप चाहे तो इसको नाइट में भी चला सकते हो। अपनी हार्ली बाइक के अंदर सिर्फ एक सिंगल छोटी सी लाइट दी हुई है और ये उतनी ज्यादा ब्राइट नहीं लग रही है मेरे को। लाइट्स के मामले में क्लियरली अपनी सुपर क्रेजोन बाइक है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक्स को मैंने आपको चला के बता दिया है और प्रॉपर तरीके से टेस्ट भी करके बता दिया है। स्पीड चलने के मामले में भाई ये जो अपनी सुपर क्रेजोन बाइक है काफी ज्यादा धमाकेदार है, वहीं पावर के मामले में अपनी हार्ली मोटर बाइक बहुत ज्यादा जबरदस्त है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ गाइस आपको ये वाली बाइक पसंद है या फिर ये वाली बाइक पसंद है, नीचे कमेंट करो अभी का अभी। तो चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है शिवम, राघव, तुफेल, शबीक, अरविंद प्रसाद, ज्ञाना रंजन, अशीर, मोहन कुमार, रितेश, शरद। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।